यूपीएटीए से जैश ए मोहम्मद के दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकी कश्मीर के रहने वाले हैं। आतंकियों की गिरफ्तारी देवबंद से हुई है। ऐसे में देवबंद एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अपने अजीबोगरीब फतवों को लेकर सुर्खियों में रहने वाला देवबंद अब आतंकवादियों की महफूज पनाहगाह बनता जा रहा है। जहां आतंकवादियों की रहनुमाई की जा रही है, उनको सरपरस्ती दी जा रही है। यूपीएटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देवबंद से जैश ए मोहम्मद के दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। रात्रि में हमारा एक ऑपरेशन हुआ, जिस ऑपरेशन में हमने दो संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ा है, जिनका कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से है। ये दोनों कश्मीरी हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकी कश्मीर के रहने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि इन दोनों आतंकियों की जानकारी देवबंद में पढ़ने वाले एक छात्र ने ही पुलिस को दी है। यानी हिंदुस्तान का मुसलमान अब इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। गिरफ्तार आतंकवादियों के नाम शाहनवाज और आकिब अहमद मलिक हैं। दोनों आतंकवादी बिना एडमिशन लिए देवबंद में तालीम ले रहे थे। शाहनवाज अहमद तेली जम्मू कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है। शाहनवाज अहमद तेली को जैश ने रिक्रूटमेंट के लिए लगाया था। आकिब अहमद मलिक जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। देवबंद की गतिविधियों को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल के साथ खास बातचीत में बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने देवबंद को आतंकियों का अड्डा बताया था। अगर कोई वहां से ऐसा व्यक्ति निकलता जो समाज को जोड़ता और कश्मीर में आतंकवाद के जो पैरोकार हैं, वहां कोई देवबंद से पढ़ा बंदा जाकर के एक मसीहा बनता सामाजिक समरसता का, तो दिखता। लेकिन वहां से तो सारे के सारे जो बड़े निकले, वो बगदादी निकले, मशहूद निकले, तो आतंकवाद का ही तो अड्डा हो। देवबंद से हुई आतंकियों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर देवबंद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बात बात पर फतवे जारी करने वाला देवबंद खूनी खेल खेलने वाले जैश ए मोहम्मद पर फतवा जारी क्यों नहीं करता? आतंकियों को लेकर देवबंद के उलेमाओं की कलम क्यों सूख जाती है? विक्रम सिंह राठौर, लखनऊ, हिंदी खबर।